गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? कंफर्मेशन दे दीजिए एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके सर, तो जनवरी 2024 का सर आज हम लोगों को करंट अफेयर्स स्टार्ट करना था। तो जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर हमें करंट अफेयर्स कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए, करंट अफेयर्स आपको डिपेंड करता है आपकी डेट की, एग्जामिनेशन की डेट कौन सी है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन है जुलाई 2024 में, 1 जुलाई को मान लो एग्जामिनेशन, ठीक है, 1 जुलाई। तो आपको जनवरी से लेकर जून तक पढ़ना पड़ेगा, यानी जो करंट अफेयर्स है मिनिमम आपको कितना प्रिपेयर करना है, 6 मंथ का। बहुत ज्यादा पुराना करने का खास फायदा नहीं है, मिनिमम 6 मंथ का आप प्रिपेयर करिए अच्छे से करंट अफेयर्स, और 15 डेज पहले तक का करिए। मान लीजिए 30 जुलाई को अगर आपका एग्जाम है तो 15 जुलाई तक प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 15 डेज रिसेंट के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं APSSB में, यानी जल्दी बनाते हैं सर ये लोग पेपर, ठीक है। तो अगर 30 जुलाई का एग्जाम है तो 15 जुलाई तक का प्रिपेयर करिए। नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स, देखो आप जो कंपाइलेशन बोल रहे हो, पहली चीज तो वो नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स है, क्योंकि जीके इज ए स्टैटिक पोर्शन है ना। तो आप बात कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स की, तो उसका मंथली कंपाइलेशन चल रहा है, ठीक है। आपको शायद रिसीव नहीं हुआ होगा, मैं एक बार प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार सारे ग्रुप्स में पब्लिश करवा देंगे, जितना भी नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स हमारा बना है, फेब्रवरी तक का बन गया, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, उस वो लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जो भी पीडीएफ होगा आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ऑल राइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन राजस्थान। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन विल बी हेल्ड इट बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन राजस्थान। अब तो वो भी की है। हाँ जी सर, ये डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पर हुई थी? देखो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर अभी APSSB में एक क्वेश्चन आया था, अभी स्टेनोग्राफर में एग्जैक्टली करंट अफेयर्स में जो आपको पढ़ाया था, सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को मजबूती से पकड़ना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो देखो अब ठीक है, एक्सरसाइज कराता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, हम लोग डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज करते हैं। अब जब अरब एमिरेट्स की बात हो रही थी तो मैंने सोचा एक बार आपको पूरा अरब वर्ल्ड दिखा दूं। तो ये जितनी भी कंट्रीज आपका ये ग्रीन में मार्क है, ये सब किसका पार्ट है? अरब वर्ल्ड का पार्ट है। तो ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका का हिस्सा है, जिसमें आपको मॉरिशिया, ये मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, साउथ सूडान, ये कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये आपका मिडिल ईस्ट का हिस्सा है अफ्रीका का, ये सोमालिया, जिबूती भी है मिडिल ईस्ट में। फिर आपका ये सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी, यमन, ओमान, UAE। तो जनरली ये सारे कंट्रीज आपका किसका पार्ट है? अरब वर्ल्ड का। आपका UAE इधर लोकेशन है, ठीक है, ये आपका UAE का लोकेशन है। साथ ही साथ इसमें दो चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ कहते हैं। ये सब टर्म्स न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप APPSC की तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर से ये ध्यान रखिए, स्टेट थीसिस के एग्जामिनेशंस में ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पर्शियन गल्फ की लोकेशन पता होना चाहिए, ये पर्शियन गल्फ है, और ये वाला जो वाटर बॉडी है ये क्या है सर आपका? ये है आपका रेड सी, यानी सऊदी अरेबिया को अगर आप देखोगे तो वन साइड में ये किससे जुड़ा हुआ है? पर्शियन गल्फ से, और एक साइड में ये आपका किससे जुड़ा हुआ है?
रेड सी से, तो ये दो क्वेश्चन आता रहता है कॉन्ट्रास्ट। एक मिनट रुकिएगा। ओके सर, अभी हो सकता है थोड़ा सा सेटिंग्स गड़बड़ हो रही हो, आफ्टर द क्लास हम उसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, थोड़ा ग्रेश है। हाँ, एक्चुअली ग्रेश तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें शायद कुछ कैमरे के सेटिंग्स में गड़बड़ हुई है। अभी ठीक है, अभी ठीक आ रहा है, ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वॉन द 2023 वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप ओपन कैटेगरी हेल्ड इन समरकंद उज़्बेकिस्तान। अभी स्क्रीन क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए। Who amongst the following has won the 2023 World Blitz Chess Championship Open Category held in Samarkand, Uzbekistan? लवली सिंह, कोई इशू नहीं, वैसे लाइव क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो आप रिकॉर्डिंग से भी कवर अप कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखो स्पोर्ट्स का सर क्वेश्चन है, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ आपको मिस नहीं करने, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर क्या है सर आपका? मैग्नस कार्लसन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन ऑफ इसरो विल लॉन्च द एक्सपोसेट एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट। देखो एक्सपोसेट के बारे में हम लोगों ने बात करा था, ये इंडिया दूसरा कंट्री होगा ये मिशन करने वाला, एक्सपोसैट एक्स, ये आपका एक्सरे पोलारिमेट्री सैटेलाइट, ये मिशन करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन रहा है आफ्टर अमेरिका, ठीक है ना? तो इसके लिए जो इसकी सैटेलाइट भेजी जा रही है, एक्सरे पोलारिमेट्री सैटेलाइट, किस लॉन्च व्हीकल से भेजी जा रही है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन मतलब जो विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन ऑफ इसरो विल लॉन्च दिस सैटेलाइट, मतलब वो कौन से लॉन्च व्हीकल से उसको भेज रहे हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लॉन्च व्हीकल का नाम वैसे मतलब चांसेस कम है, बट फिर भी अगर पूछे तो ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर इज PSLV C50 है। इसरो के पास भी अलग अलग कैटेगरीज के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जो भी मतलब सैटेलाइट वो लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो उसके लिए अलग अलग व्हीकल्स होते हैं। जैसे एक होता है ASLV, SSLV, है ना, आपका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो सबसे हैवी होता है GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, किसी दिन आराम से, मैंने कई बार पहले भी डिस्कस कराया है जो डिफरेंट डिफरेंट आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं, किसी दिन और हम लोग दोबारा से एक बार फिर से जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है, ये जो पोलारिमेट्री सैटेलाइट वाला आपका ये मिशन है, ये कौन लेके जा रहा है? PSLV C58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड द होम ऑफ मीरा मांझी इन अयोध्या, हु इज द 10th crore बेनिफिशियरी ऑफ द उज्ज्वला योजना। ठीक है, किसके घर गए, क्या किया, दैट इज नॉट पार्ट फॉर अवर एग्जामिनेशन। हमारे पार्ट में ये है कि सर जो उज्ज्वला योजना है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ रहे हो सर आप, उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, बताइए सर आपका सवाल क्या है सर? उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है?
हाँ जी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? रूरल डेवलपमेंट, वेमेन चाइल्ड, फाइनेंस, पेट्रोलियम। उज्ज्वला योजना में होता क्या है सर? जो गवर्नमेंट ने फ्री एलपीजी स्कीम शुरू की थी ना, मतलब एक एलपीजी सिलेंडर और एक उसके साथ कुकिंग स्टोव, जो गरीब महिलाएं हैं उनके घर तक गवर्नमेंट ने पहुंचाया था, तो एक भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम आपकी रही है, तो ये किसके अंडर कवर्ड है? एलपीजी की बात हो रही है तो ये किसके अंडर आपको मिलेगी? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये आपकी स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कवर है। इसमें जो आपका फ्री एलपीजी सिलेंडर, साथ ही साथ एक जो स्टोव था वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। ये देखो एक बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही आप कह सकते हो जबरदस्त स्कीम थी जब ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदे निकल रहे थे। एक तो बहुत सी महिलाएं जो गैस स्टोव अफोर्ड नहीं कर पा रही थी तो उनको लकड़ी यूज करनी पड़ती थी, तो वो जंगल जाके लकड़ी कलेक्ट करती थी, फिर वो उस पे कुकिंग करती थी, तो एक तो लकड़ी का जो बर्निंग है वो कम हुई, तो उससे ऑब्वियसली बात है एनवायरमेंट को फायदा हुआ। दूसरा, जो महिलाएं जंगल जाती थी, जंगल से लकड़ी कलेक्ट करती थी फिर आती थी, तो उनका जो टाइम वेस्ट होता था और उनको जो मेहनत लगती थी एक्स्ट्रा में वो उनकी बची। तो एक तरफ तो ये एनवायरमेंट को भी फायदा पहुंचा रही है स्कीम, दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो वीमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट कर रही है। तब वो महिलाओं के पास एक्स्ट्रा टाइम है, अब वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं या एक्स्ट्रा स्किल वाला काम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का पर्पस था उज्ज्वला योजना लाने के पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। अभी तक देखो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा था, अभी 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हो गया है, तो इनमें से किसको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया? एन के सिंह, पांडे जी, पनागरिया जी या सुब्रमण्यम? बताइए, चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हिंट दे देता हूं, एन के सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तो ए ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा बी सी डी। अब और कोई टेक्निक नहीं बची है कि सर उसको यूज करके आप लगा लो, तो पता है तो बता पाओगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं सर, करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अरविंद पनागरिया। तो अरविंद पनागरिया जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द 16th चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है सर, तो एक बार सर ये बात कर लेते हैं कि ये मसमाजरा है क्या सर, ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है? देखो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर बनता है? अंडर आर्टिकल 280। पहली बात तो ये मार्क कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ सकता है, अंडर आर्टिकल 280 आपका फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। दूसरी चीज ये कि इसका काम क्या है सर, तो जो पैसा यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है एज ए टैक्स, उसमें से यूनियन को कुछ हिस्सा स्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ये रिकमेंडेशन देता है कि यूनियन को कितना परसेंट स्टेट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है और स्टेट्स में भी किस स्टेट को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी सारे स्टेट्स एक जैसे तो है नहीं, तो सबको सेम फंड तो नहीं दे सकते। अब यूपी इतना बड़ा स्टेट, गोवा इतना छोटा स्टेट, ऑब्वियसली बात है यूपी की डिमांड ज्यादा होगी, तो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस किस स्टेट को कितना पैसा देना है और ओवरऑल स्टेट को कितना परसेंट देना है, ये सारा जो रिकमेंडेशन देने का काम है वो किसका है? फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन को सर अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं सर आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें तीन बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल, आर्टिकल 280। दूसरी चीज, ये करता क्या है? यूनियन स्टेट्स के बीच फंड डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तीसरी चीज, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एक और चौथी चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका चेयरमैन पूछ लेता है। जैसे अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा था तो उसके चेयरमैन का नाम पूछा गया है, अब चूंकि आपका फाइनेंस कमीशन बदल गया 16 फाइनेंस कमीशन आ गया, तो अब आपसे किसका नाम पूछेगा? 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम पूछेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये चार पॉइंट सर मोटा माटी है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आपको याद रखते हैं। ठीक है,
देखो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देता है, गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे माने वो चाहे ना माने, ठीक है ना। नीति आयोग भी बताता है सर, नीति आयोग भी रिकमेंडेशन देता है, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है, नीति आयोग तो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो नीति आयोग जो कह रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट वो चाह रही है। और नीति आयोग का सिर्फ यही काम नहीं है, और भी काम है सर नीति आयोग के, स्टेट्स में कंपैरिजन कराना, पॉलिसीज को एफिशिएंट करना, तो ये सारे भी काम नीति आयोग के ही हैं। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली द बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली यूज रेजुपेव टेक्नोलॉजी टू बिल्ड हाई एल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड सेक्शंस एट द सेला टनल एंड द एलजीजी दामतेंग यांगसे, यानी LDY इन अरुणाचल प्रदेश। दीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट हिमांग, प्रोजेक्ट उदायक, प्रोजेक्ट दंतक। अभी एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है सर, अभी जो सीला टनल बनी है ना, बीआरओ ने जो वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो वहां पर एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली है, रेजुपे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये सारा जो काम हो रहा है वो किस प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा है? वर्तक, हिमांक, उदायक, दंतक, बताइए सर। तो ये क्वेश्चन आपका अरुणाचल जीके में भी इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल वैसे भी नेशनल लेवल में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल लेवल में भी जो अपने अरुणाचल के स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स होते हैं वो भी मेरी कोशिश रहती है इसमें अपन कवर करें। बाकी साथ ही साथ अब अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस भी शुरू कर दिया है, तो उसका भी पर्पस यही है कि आपका जो लोकल न्यूज है वो भी आपको अप टू डेट मिले, वो भी आपको कंप्लीट उसमें जानकारी मिले। तो मार्च से आप मान के चलो, वैसे 26 फरवरी से स्टार्ट कर दिया था, तो आपको जितना भी अरुणाचल टाइम्स की न्यूज एनालिसिस है उसका कंटिन्यूस एनालिसिस बन रहा है, ठीक है। 24 मार्च तक का मैंने बना दिया, 25 का कंटेंट बन गया है, जल्दी उसका रिकॉर्डिंग करके कल तक आपको मिल जाएगा। 26 का तो पेपर ही नहीं आया सर, मतलब आज पेपर ही नहीं आया, ठीक है, तो आज कैसे बनाते हैं। चलो करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट वर्तक, ठीक है सर। प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट वर्तक है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या है सर? ये जो रेजू पी आप कह रहे हो, ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक इंडिजीनियस रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें बायो ऑयल यूज होता है। इसमें सर कुल मिला के कर क्या है, जैसे ऐसा होता है सर, जो बिट्यूमिनस होता है ना, बिट्यूमिनस कह लो, जो डामर होता है उसको मेल्ट किया जाता है, तो ये बायो ऑयल की मिक्सिंग के बाद उसका जो हैवी टेम्परेचर था उतने हैवी टेम्परेचर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जो चारकोल है बिटुमिनस, उसको क्या कर रहे थे, पहले मेल्ट कर रहे थे, ये टेक्निक होती है। तो उसको अगर मान लो जितने भी टेम्परेचर पे ले जा रहे थे, अब उतने टेम्परेचर पे ले जाने की जरूरत नहीं है, उससे अराउंड 30 डिग्री 20 डिग्री कम टेम्परेचर पे रख के भी काम चल जाएगा। तो ये फायदा है ये टेक्नोलॉजी का, इसमें बायो ऑयल की मिक्सिंग की जाती है, तो जो हीटिंग रिक्वायरमेंट है उसको ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है कि हीटिंग रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर रहा है, ये बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। प्रोजेक्ट बर्तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट बर्तक कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में एज प्रोजेक्ट टस्कर, ठीक है। तो फिर बाद में इसका नाम पड़ गया था प्रोजेक्ट बर्तक इन 1963। तो ये दो पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बर्तक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल एक बार लिख दी है, पढ़ लेना, प्रोजेक्ट बर्तक कब स्टार्ट हुआ था, बस ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल एट द 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश हेल्ड इन एडिनबरा स्कॉटलैंड, बताइए सर। गर्ल्स अंडर 19 टाइटल किसने जीता है? जोशना चिनप्पा, दीपिका पालिकल, आपका तन्वी खन्ना, या फिर अनाहत सिंह? हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7?
बिल्कुल सही बात। गर्ल्स अंडर 19 टाइटल किससे जीता है सर? अनाहत सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, अनाहत सिंह। ठीक है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इसको रख के आप याद रख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड ई स्वर्णा, इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रूपी नेटवर्क। ठीक है, देखो ये जो आपका जैसे रुपए है, एक नया भारत में पहला क्रेडिट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। ठीक है, भारत में पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, उसका नाम है ई स्वर्णा। ठीक है, और मतलब पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क पे। ठीक है, पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड और रुपे नेटवर्क। रुपे क्या है सर? देखो क्या होता है, जो भी डेबिट कार्ड होते हैं या क्रेडिट कार्ड होते हैं, इनका एक मीडिएटर होता है। जैसे एक वीजा आपने देखा होगा, मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, तो ये सब क्या है सर? मीडिएटर है, ये अमेरिकन कंपनीज हैं। तो आपने मान लो एसबीआई का डेबिट कार्ड लिया या एसबीआई का कार्ड आपने लिया, आप तो किसी भी शॉप में गए जहां पीओएस मशीन लगी होगी, आपने अपना कार्ड क्या करा? स्वाइप करा। ठीक है, तो आपकी बैंक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई आपके कार्ड से पैसे कटे हैं, तो ये किसका काम होता है? जो मीडिएटर कंपनी होती है उसका काम होता है। ये लोग कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं। ठीक है, आपसे भली ना करें, मर्चेंट से कर लेंगे या बैंक से कर लेंगे, किसी तरह से परसेंटेज बीच का चार्ज करेंगे। तो ये आपके जो कस्ट आपको ये जो पीओएस मशीन और पीओएस मशीन को आपकी बैंक, इन दोनों से जो कनेक्ट करने का काम है। ठीक है, इधर ये आप हो, आप पीओएस मशीन में स्वाइप कर रहे हो, और वो इंफॉर्मेशन आपके बैंक तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो वो आपके अकाउंट से पैसा रिलीज करेगा। तो आप दोनों के बीच में जो ये मीडिएटर का काम है, वो ये कंपनीज करती थी, वीजा और मास्टर। बहुत बीच में पैसा कमाती थी लोग। अब जब वीजा और मास्टर ये काम कर रही थी, तो भारत सरकार ने सोचा भाई ये काम तो हम भी कर सकते हैं, मीडिएटर वाला तो काम है, अगर मीडिएटर वाला काम हमने कर लिया तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, क्योंकि ये तो फॉरेन कंपनी है, ये जो अर्निंग करेंगी अपने घर ले जाएंगी। तो भारत सरकार ने एक नया नेटवर्क लॉन्च करा रुपे, ऑन द बेसिस ऑफ वीजा एंड मास्टर, और उसको काफी हद तक प्रमोट भी किया। फिर इन लोगों ने शिकायत भी करी थी अपने प्रेसिडेंट से, डोनाल्ड ट्रंप से, उस टाइम पे कि भाई ये लोग हमारे रुपए के चक्कर में हमारा धंधा खा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार भारत सरकार, तो अपन रुपए कार्ड अपन लॉन्च कर चुके हैं, तो वीजा और मास्टर को टक्कर देने के लिए। इससे फायदा क्या होगा? जो भी इंटरमीडिएटरी चार्जेस होंगे वो रुपए कार्ड को मिलेंगे, यानी कुल मिला के वो पैसा देश में रहेगा। तो ये इसकी खास बात है। तो इस नेटवर्क पे पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो बैंक का नाम वो पूछ रहा है। ठीक है, बैंक का नाम है सर आपका इंडसइंड बैंक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक। अब तो सवाल है कि सर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ठीक है, अगर अपन सोचें सर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड तो सर हमें पता है, मतलब आपको अगर 1 लाख की लिमिट मिली है तो आपके अकाउंट में भले 1 लाख नहीं होंगे, बट आप 1 लाख की शॉपिंग कर सकते हो। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है, ये जो कार्ड है, मान लो आप किसी कंपनी में एक्स वाई जेड कंपनी में काम करते हो, तो आपको कंपनी अपने नाम पर ही कार्ड देगी। मान लो कई बार क्या होता है, किसी कंपनी में आप काम करते हो और उस कंपनी के काम के लिए आप कहीं बाहर गए हो, आपने फ्लाइट की टिकट बुक करी, आपने होटल में स्टे किया, तो कंपनी क्या करती है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है। क्या देती है? ठीक है भाई, ये क्रेडिट कार्ड मेरा ले लो, इससे तुम फ्लाइट की टिकट कर लेना, इससे तुम अपना होटल का खर्चा कर लेना। तो ये जो खर्चा होगा वो एम्प्लॉय पे ना जाके किससे जाएगा सर? कंपनी पे जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी के बिहाफ पे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो अब ये पहली बार रुपे नेटवर्क पे लॉन्च होगा, और ये बैंक का नाम क्या? इंडसइंड बैंक। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? Is that clear or not? Clear है तो सर give me the answer. थोड़ा सा इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल था ये, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम दे लिया इसको समझाने में, हालांकि चीज बड़ी सिंपल है। ठीक है, कोई डाउट होने से पूछ लीजिए, क्लियर है तो give me the answer. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। एक डिसीज का नाम दे रहा है सर, जॉम्बी डियर डिसीज। अभी यूएस में ज्यादा प्रिवेलेंट देखी गई है, जो उसकी वाइल्ड लाइफ है यूएस की, वहां पर ये देखी गई है। इसका एक और नाम है,
लॉम्बी डियर डिसीज का, वो पूछ रहा है। एंथ्रेक्स है, फुट एंड माउथ डिसीज है, क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज है, या ब्रुसेलोसिस है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रहा है, एंथ्रेक्स है, फुट एंड माउथ डिसीज है, क्रोनिक वेस्टिंग डिसीजेज है, या ब्रुसेलोसिस है। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर क्या होगा सर। क्रोनिक, हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज। तो ज़ॉम्बी डियर डिसीज ये एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसीज है, ठीक है ना, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे लिखा भी होगा। हाँ, इधर फेटल मतलब ये जानलेवा, फेटल मतलब जानलेवा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो डियर, एल्क, मूज और अदर जो सर्विड फैमिली के एनिमल्स है उनको ये इम्पैक्ट करता है। तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है जिनको प्राइंस कहते हैं उसकी वजह से होती है। उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, न्यूरॉन्स में कुछ गड़बड़ होने की वजह से ये बीमारी क्रिएट होती है। तो इसको ज़ॉम्बी डियर डिसीज भी कह देते हैं, या एक और इसका नाम है क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज, ठीक है, CWD, क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज। तो ध्यान रखना, डिसीजेज पे क्वेश्चन पूछता रहता है। डिसीजेज जनरल साइंस में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जनवरी का सर, ये जनवरी 2024 का, ठीक है, दिसंबर का तो लास्ट टाइम पे खत्म कर लिया था, आज तक लोगों ने जनवरी का स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो, अभी तक बॉयज वाले सैनिक स्कूल होते थे, अब ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया। सैनिक स्कूल बनाने के पीछे का कंसेप्ट क्या था? सैनिक स्कूल बनाने के पीछे का कंसेप्ट ये था कि आपका जो लोग आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फौज में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उनको अगर पहले से ही ट्रेनिंग लेनी है, यानी जैसे बहुत से लोग होते हैं वो बचपन से डिसाइड होता है मैं फौजी बनना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है सैनिक स्कूल में। इसी तरह से बचपन से ही उनको डिसिप्लिन और उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जो आगे चल के जब वो सैनिक बनेंगे तो वो उनकी ट्रेनिंग में काम आएगी। तो एक तरीके से आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉय करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सैनिक स्कूल क्रिएट किए गए। लेकिन ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल पहली बार बन रहा है, तो ये कहां पर बन रहा है सर आपका? करेक्ट आंसर इज वृंदावन मथुरा। ठीक है, तो ये कहां बन रहा है सर आपका? वृंदावन मथुरा में बन रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पर्पज वही है, इट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड इनकरेज गर्ल्स टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। तो गर्ल्स को आर्म फोर्सेस में लाने के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030 अंडर द साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव। मतलब क्या है सर, देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यूनियन कैबिनेट मतलब समझो भारत सरकार एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक एग्रीमेंट साइन कर रही है, ठीक है ना, यानी एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है इंडिया के साथ और कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है। इंडिया और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों मिलके एक एग्रीमेंट साइन कर, एग्रीमेंट का सर पर्पज क्या होगा? एग्रीमेंट का पर्पज होगा कि जो सर इंडियन रेलवे है, ठीक है ना, जो इंडियन रेलवे है उसको क्या करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, यानी रेलवे में नेट जीरो कार्बन एमिशन हो, रेलवे में जितना भी कार्बन प्रोड्यूस होता है उतना सिंक भी हो, तो ओवरऑल रेलवे किसी भी तरह का कार्बन प्रोड्यूसर ना बने, तो ये अचीव करना है बाय 2030। यानी इंडियन गवर्नमेंट एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं ताकि इंडियन रेलवे अचीव करे मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। ठीक है, ये तो वो भी बात, ये किस इनिशिएटिव के अंदर हो रहा है? तो उस इनिशिएटिव का नाम है साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव। ठीक है, सारे कहते हैं शॉर्ट में सारे, साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव।
तो सारे के अंडर, सारे इनिशिएटिव के अंडर भारत सरकार और इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिलके इंडियन रेलवेज को नेट कार्बन जीरो मिशन तक पहुंचाने वाले हैं बाय 2030। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कौन करने वाला है ये काम सर? यू सेड बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये और इंडियन गवर्नमेंट मिलके, ठीक है, ये और इंडियन गवर्नमेंट मिलके क्या करेंगे सर? इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन मिशन अचीव कराएंगे, नेट जीरो कार्बन मिशन अचीव कराएंगे बाई 2030 अंडर द इनिशिएटिव साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव। ये है क्या सर? साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव, ये 5 ईयर प्रोग्राम है सर, ठीक है ना? यू सेट जो है ये इसी एजेंसी ने 5 साल का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है? तो इसका पर्पस ये है कि जो भी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनमें सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना। वो कंट्रीज कौन कौन सी है सर? इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है और श्रीलंका है। तो 2021 से 2026 इनके बीच इसमें कसम खाई है कि भाई हम क्लीन एनर्जी प्रमोट करेंगे इन कंट्रीज के बीच में। कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, जो साउथ एशिया की कंट्रीज है, ठीक है सर? चलिए, तो ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आज सर यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बात और सर इन्फॉर्म करनी थी, अब एपीपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है, अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसी के लिहाज से हम एपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीलिम्स का अलग चलेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस का अलग बैच चलेगा, तो दो तरह के इसमें बैचेस होंगे आपके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिलहाल मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, अभी हम आपको एक स्ट्रेटेजी ग्रुप में ऐड करेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9909078462, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, लिख देंगे एपीपीएससी, तो हम एपीपीएससी फ्री ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। वहां पर अभी हम डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी आपके लेक्चर्स होंगे, ठीक है ना? आप एक बार क्लासेस को देख लो किस तरह से क्लासेस रन होंगी। 20 अप्रैल से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर? चलिए, तो ये आपको इन्फॉर्म भी करना था। बाकी एपीएसएसबी के रिगार्डिंग भी हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? एपीएसएसबी के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8076535685 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है सर? चलिए फिर, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है सर? मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।